नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सेल्स सर्विस में। दोस्तों आज है 19 सितंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 19 सितंबर के करंट अफेयर, तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर की PDF चाहिए तो आप हमारे WhatsApp नंबर 9111920612 पर मैसेज कर दोस्तों इसको परचेज कर सकते हो। और इसकी कॉस्ट की बात करें दोस्तों तो जनवरी 2021 से लेकर अगस्त 2022 तक ओनली 99 रुपीज में आएगी, और जनवरी 2022 से लेकर अगस्त 2022 तक की कॉस्ट दोस्तों 74 रुपीज रहेगी। और दोस्तों मंथली 2022 की बात करें, अगर आपको मंथली PDF चाहिए तो इसकी कॉस्ट रहेगी ओनली 15 रुपीज। की बात करें हम तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, और दोस्तों 17 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। तो देखिए दोस्तों, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस हर वर्ष 17 सितंबर को मनाया जाता है। 2021 की इसकी थीम क्या थी? सेफ मटेरियल एंड न्यूबॉर्न केयर। 2021 की थीम सेफ मटेरियल एंड न्यूबॉर्न केयर। और 2022 की थीम क्या है दोस्तों? मेडिकेशन सेफ्टी। 2022 की थीम याद रखिएगा, मेडिकेशन सेफ्टी। तो इस दिन की स्थापना मई 2019 में 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के द्वारा रोगी सुरक्षा पर वैश्विक कार्रवाई पर संकल्प WHA 72.6 को अपनाने के साथ की गई। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक जुड़ाव बढ़ाना, रोगी सुरक्षा को बढ़ावा देना और रोगी के नुकसान को कम करना है। और चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, वोटर आईडी कार्ड से आधार नंबर को 100% जोड़ने वाला हमारा मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा बन गया है दोस्तों? तो ये बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट। अमृत सरोवर के निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा बन गया है दोस्तों? तो ये बुरहानपुर बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बुरहानपुर। और दोस्तों देश का पहला सर्टिफाइड हर घर जल जिला भी कौन सा बन गया है? तो ये बुरहानपुर बन गया है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना प्रारंभ की गई है दोस्तों? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में भोपाल की युवा कराटे प्लेयर रूसा तंबत ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो इनके द्वारा 2 मेडल जीते गए दोस्तों, और दोनों मेडल कांस्य पदक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो देखिए, कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया था? ये बर्मिंघम में किया गया था। बर्मिंघम कहां पर है दोस्तों? तो ये इंग्लैंड में है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, अभी जो हाल ही में 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो भी कहां पर हुए थे? बर्मिंघम भी हुए थे। अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप का आयोजन भी बर्मिंघम में किया गया। तो यहां हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल जिले की रूसा तंबत ने 2 मेडल जीते हैं और दोनों कांस्य पदक जीते हैं। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस देश से मध्य प्रदेश के कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में 8 अफ्रीकी चीते लाए गए हैं दोस्तों? तो ये नामीबिया देश से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, नामीबिया। और देखिए दोस्तों, नामीबिया किस महाद्वीप में आता है? तो ये अफ्रीकी महाद्वीप में आता है। और नामीबिया से दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के कूनो पालमपुर में 8 अफ्रीकी चीते लाए गए हैं, और इनका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और ये कब किया गया दोस्तों? 17 सितंबर 2022 को किया गया, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस भी है। और बात करें दोस्तों यहाँ पर हम कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? सोपोर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये हमारे मध्य प्रदेश का लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? तो ये 2018 में घोषित किया गया था। हमारे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? तो ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की? 1955 में की गई थी, ठीक है। सौर ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर जिला दोस्तों सौर ऊर्जा उत्पादन में हमारे मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इंदौर। और दोस्तों सौर ऊर्जा उत्पादन में हमारे देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो वो है राजस्थान, ठीक है। और हमारे मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है? तो वो है इंदौर। दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट की स्थापना भी कहां पर की गई है? हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में की गई है। दोस्तों हमारे भारत में राष्ट्रीय सौर मिशन का प्रारंभ कब किया गया था? ये 2010 में प्रारंभ किया गया था।
ठीक है। तो भारत वर्तमान में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में चीन, अमेरिका, जापान एवं जर्मनी के बाद पांचवी स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन सा देश है? चीन है। दूसरे स्थान पर अमेरिका है। तीसरे स्थान पर जापान है। चौथे स्थान पर जर्मनी है। और पांचवें स्थान पर हमारा देश इंडिया है। तो देखिए COP26 का आयोजन कहां पर किया गया था? ये ग्लासगो में किया गया था। और दोस्तों उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषणा की गई थी, भारत देश दोस्तों 2070 तक कार्बन का उत्सर्जन बंद कर देगा। और दोस्तों COP26 में घोषणा की गई थी कि भारत 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता प्राप्त कर लेगा। चल दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश में विशेष पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, प्रभुराम चौधरी। शिवराज सिंह चौहान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, नरोत्तम मिश्रा हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है और रामकिशोर कावरे हमारे मध्य प्रदेश के आयुष मंत्री है। तो देखिए दोस्तों लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने रविवार को यानी 18 सितंबर 2022 को कैलाश नाथ काडजू अस्पताल परिसर में विशेष पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर किया। केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे इस विशेष पल्स पोलियो अभियान के लिए हमारे मध्य प्रदेश के 16 जिले चिन्हित किए गए हैं। इनमें भिंड, भोपाल, छिंदवाड़ा, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, कटनी, खरगोन, मंदसौर, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, सतना, टीकमगढ़, विदिशा एवं श्योपुर जिला शामिल है। और आगामी 3 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में 5 वर्ष तक के हर बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाई जानी है। तो यहाँ पर बच्चों की उम्र कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 5 वर्ष, ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। जस्टिस जे एस वर्मा स्मृति व्याख्यान माला का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जबलपुर। और दोस्तों इसके मुख्य अतिथि कौन थे? ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी थे। तो देखिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ प्रथम जस्टिस जे एस वर्मा स्मृति व्याख्यानमाला में बतौर मुख्य अतिथि थे। जस्टिस वर्मा मेमोरियल कमेटी के चेयरमैन व राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल ने विशेष व्याख्यान दिया। और इस अवसर पर सुको जज जेके माहेश्वरी, राज्यपाल मंगूभाई पटेल, हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि कुमार मलिमत और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित थे। तो बात करें हम जे एस वर्मा की, तो देखिए इनका जन्म 18 जनवरी 1933 को हमारे मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और ये हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कब बने थे दोस्तों? 1985 से 1986 तक थे। इसके बाद दोस्तों ये राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने 1986 से 1989 तक। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश कब से कब तक रहे दोस्तों? ये 25 मार्च 1997 से लेकर 18 जनवरी 1998 तक ये हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। इसके बाद दोस्तों ये 4 नवंबर 1999 से लेकर 17 जनवरी 2003 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे। इस क्वेश्चन दोस्तों हमारा 17वीं राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के आदर्श मौर्य ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो आदर्श मौर्य के द्वारा जीता गया है रजत पदक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। और दोस्तों 17वीं राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। और ये कब से कब तक चलेगा दोस्तों? ये 17 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक चल रहा है। देखिए दोस्तों 17वीं राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश ने 1 रजत व 1 कांस्य पदक जीता है। और इस तरह मध्य प्रदेश कुल 5 पदक अभी तक जीत चुका है। यह प्रतियोगिता एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय तात्या टोपे स्टेडियम में खेली जा रही है। बालक वर्ग में 800 मीटर वर्ग में आदर्श मौर्या ने रजत पदक जीता है और बालक वर्ग की 400 मीटर दौड़ में अभय सिंह ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के कितने लोगों ने रक्तदान कर एक दिन में सर्वाधिक रिकॉर्ड बनाया दोस्तों? तो ये 26,000 लोगों ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 26,000। तो देखिए 17 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश में 26,000 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया है और मध्य प्रदेश में एक दिन में सर्वाधिक रक्तदान का यह रिकॉर्ड है। इसके पहले एक दिन में सर्वाधिक 3,000 लोगों ने रक्तदान किया था। इस क्वेश्चन दोस्तों हमारा, बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में सीनियर वर्ग में निहारिका कौरव ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो इनके द्वारा जीता गया है कांस्य पदक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कांस्य पदक। और इनका संबंध दोस्तों, निहारिका कौरव का संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भिंड डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। और इनका संबंध किस खेल से दोस्तों? तो कराटे से है, ये भी याद रखिएगा। देखिए बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में
निहारिका कौरव ने 68 किलो सीनियर वर्ग में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। निहारिका ने बर्मिंघम में दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर यह कारनामा दिखाया है। इसके बाद वे 23 से 25 सितंबर तक टर्की में होने वाली वर्ल्ड कराटे सीरीज में देश का प्रतिनिधित्व करेगी। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, ये एमपीपीएससी 2021 में पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। दोस्तों ये किया गया है मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बात करें हम यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और इसके अभी सदस्य देश कितने हैं दोस्तों, तो ये 193 है। और 193वां देश कौन सा है, तो दक्षिणी सूडान है। और इसके भी हेड कौन है, एंटोनियो गुटेरस है। आज के लिए दोस्तों आपका क्वेश्चन है, ये एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया था। ठीक है, एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया था, कैलाश सत्यार्थी का संबंध किस जिले से है, रायसेन से, भोपाल से, विदिशा से या सीहोर से, तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। दोस्तों टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।